मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी श्री राम जय राम जय चंद्र महाराज की जय पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय उमापति महादेव की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय अनंत करुणा वर्णालय सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में अपना कोटिशा नमन करते हुए प्रपन्न पारिजात मेरे प्रभु भगवान श्री सीताराम के चरणारविंदों में अपना नमन करता हूँ। आशुतोष महादेव के चरणों में नमन करता हूँ। युगल सरकार भगवान श्री बांके बिहारी के चरणारविंदों में नमन करता हूँ। इस जगत के प्रतिपाल भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी के चरणों में अपना नमन करता हूँ। और उपस्थित आप सभी महानुभावों का अविज्ञान के द्वारा भगवान की कथा को श्रवण करने वाले आप सभी श्रोताजनों का भगवान श्री सीताराम के दरबार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन व्यासपीठ से करता हूं। भगवान की विशेष कृपा जब हमारे जीवन में होती है तब हमें भगवान की सन्निधि प्राप्त होती है, तब हमारे मुख से राम नाम निकलता है, तब हमारे मुख से ईश्वर का नाम प्रस्फुटित होता है और हम मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाकर के भगवान का नाम रूप लीला धाम यश गान इत्यादि सब हम लोग गाते हैं बजाते हैं और करते हैं। हमारे और आपके बीच चर्चा चल रही थी, हमारे और आपके बीच कल चर्चा चली, आइए उसी स्थान पर हम सब चले। मना शरीर से भाव राज के माध्यम से भाव राज्य की उसी भूमिका में चलते हैं जहां पर कल कथा को हमने छोड़ा था। सरयू जी के किनारे कल्प वृक्ष के नीचे दिव्य सिंहासन पर भगवान श्री सीताराम विराजमान है।
सिंहासन के एक और श्री लखनली खड़े हैं, एक और श्री शत्रुघ्न जी खड़े हैं, एक और पीछे के भरत जी छत्र सेवा में खड़े हैं, हनुमान जी चरण सेवा में लगे हुए हैं, सीताराम जी महाराज बैठे हुए अपने भक्तों के दुखों को दूर कर रहे हैं, महादेव भूत भामन भोलेनाथ शिव के सहित सभी 33 कोटि देवता भगवान की सेवा में सन उपस्थित हैं। तुलसीदास यशगान कर रहे हैं और हम और आप भी वहीं बैठ करके भगवान के यश को श्रवण कर रहे हैं। श्रोताओं के अंतःकरण में बैठकर भगवान ही कथा को श्रवण करते हैं, वक्ता के अंतःकरण में बैठकर भगवान ही कथा को श्रवण कराते हैं। वास्तव में श्रोता भी प्रभु ही है और वक्ता भी प्रभु ही है, प्रभु ही कथा को कह रहे हैं, प्रभु ही कथा को श्रवण कर रहे हैं। हम उस स्थान पर चलते हैं जहां कल कथा को विश्राम दिया। महादेव और माँ पार्वती के विवाह की चर्चा हमारे बीच चली कि भगवान शंकर ने अपना रूप बदला, तब कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदाव संतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर और पार्वती का विवाह सानंद संपन्न हुआ। हमारे अंतःकरण में चलने वाली रामायण, हमारे जीवन में चलने वाली श्री रामचरितमानस, हमारे जीवन में चलने वाली श्री रामचरितमानस में शंकर और पार्वती का विवाह कब होगा? बोले जब हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो जाए, उसी दिन हमारे जीवन में भगवान शंकर और पार्वती का विवाह होगा। भगवान के प्रति, राम के प्रति दृढ़ श्रद्धा हो जाए और वो श्रद्धा विश्वास में परिवर्तित हो जाए, तब हमारे जीवन में शंकर और पार्वती का विवाह हो। मानस कहती भी है, बिनु चल विश्व नाथ पद एहु, बिनु चल विश्व नाथ पद ने हूँ, राम भगत कर लक्षण ये हूँ। बिनु चल विश्वनाथ पद ने हूँ, निष्काम भाव से बिना किसी छल कपट के जो भगवान शंकर के चरणों में अपनी प्रीति रखता है, वो कोई और नहीं, वो केवल राम का भक्त हो सकता है। क्यों? बोले शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती अस नारी। जो अपनी पत्नी का त्याग भगवान ईश्वर के लिए कर दे, उसकी नासमझी के लिए, उसके धर्म के लिए, शंकर के जैसा कौन हो सकता? ये राम भक्त का लक्षण है, बिनु चल विश्वनाथ पद ने हूं, राम भगत कर लक्षण ये हूं, राम भक्त का लक्षण है। सती और शंकर का विवाह संपन्न हुआ। हिमाचल और मैना ने बड़े आदर के साथ महादेव और माता पार्वती को विदा किया, और जिस समय महादेव और माता पार्वती को विदा किया जा रहा था, तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के सहित सभी देवी, सभी लोगों ने दर्शन किया। और एक संत का दर्शन मुझे अच्छा लगता है, और वो भजन गाते कि मेरे भोले चले कैलाश, बूंदियां पड़ने लगी, मेरे भोले चले कैलाश, बूंदियां पड़ने लगी की, बूंदियां पड़ने लगी की, बूंदियां पड़ने लगी, मेरे बोले ने बोदई
चले के वो जैसे फसल उगती है फिर वो खेती वाले किसान लोग जानते होंगे, मुझे तो किसानी का कोई अनुभव नहीं। जैसे जैसे बीज जमा फिर निकला और फिर वो एक दिन वो समय आता है कि गौरा जी की उग आई हरी हरी मेहंदी, वो मेरे बोले कि जम गई भांग, बूंदी बूंदियां पड़ने लगी। फिर क्या था, फिर तो फसल जब तैयार है तो काट लो। शंकर जी ने फसल काटी, पार्वती ने भी फसल काटी और फिर गौरा जी ने पीस ली हरी हरी मेहंदी, और मेरे भोले ने घोट ली भांग, बूंदियां पड़ने लगी। पार्वती ने मेहंदी पीस ली और महादेव ने भांग को घोटा, और फिर गौरा जी की रच गई हरी हरी मेहंदी, और बाबा पे चढ़ गई भांग, बूंदियां पड़ने लगी। मेरा शंकर चले कैलाश, बूंदियां पड़ने लगी। शिव और पार्वती का विवाह आनंद हुआ और भगवान शंकर जब वापस आए तो आने के बाद कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ और कार्तिकेय जी महाराज ने तारकासुर का वध किया। भगवान गणेश का भी प्राकट्य हुआ। भगवान गणेश के प्राकट्य के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अब कथा से दूरी नहीं रहनी चाहिए। भगवान शंकर एक दिन कैलाश पर्वत पर विराजमान है, बात ना करें सामने खड़े होके। भगवान शंकर एक दिन कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और गोस्वामी जी महाराज जहाँ पर भी एक बार शब्द का प्रयोग करते हैं वहां पर कुछ नई बात होती है। आज फिर से एक बार शब्द का प्रयोग किया। एक बार ते ही तर प्रभु गयो। कैलाश पर्वत पर एक बहुत बड़ा वटवृक्ष है, बहुत सुंदर उसकी महिमा है, बहुत सुंदर कैलाश का जो वटवृक्ष है उसकी दिव्य महिमा है। हरिहर विमुख धर्म रति जानाई, ते नर तह सपनऊ नहीं जाई। कैलाश पर आदमी सपने में भी नहीं जा सकता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हरिहर विमुख धर्म रति नाही। जो शंकर और विष्णु से दूर है उन दोनों से विमुख है लेकिन और उसकी धर्म में भी कोई रति नहीं। भगवान को ना माने कोई बात नहीं लेकिन भगवान को ना मानने के बाद अपने जीवन का आचरण तो पवित्र होना चाहिए, अपना कर्म तो पवित्र होना चाहिए। लेकिन कर्म भी पवित्र नहीं करेंगे और आज भगवान को भी मानेंगे नहीं। हाँ, हरि हर विमुख, शंकर और विष्णु से विमुख है, धर्म रति नाही, धर्म में कोई रुचि नहीं है। बोले ते नर सपने हूं तहां नहीं जाई। वहां पर व्यक्ति सपने में भी नहीं पहुंच सकता। ते ही गिरी पर्वत वेटप विशाला, नित नूतन सुंदर सव काला। वहां पर एक बड़ा सुंदर सा वटवृक्ष है और उस वटवृक्ष की विशेषता क्या कि उसके कभी भी पत्ते सूखते नहीं है, नित नूतन रहने वाले पत्ते उस पर आते हैं। भगवान शंकर का वहीं पर आश्रम बना हुआ है। त्रिवेद समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। भगवान शंकर के विश्राम का स्थान है। भगवान शंकर एक बार वहीं चले गए। एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, तर विलोक उर अति सुख भयऊ, निज कर डासिरा नागरिपु छाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला, कुंद इंद्र
सिंदूदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परी धन मुनि चीरा तरुण अरुण अम्बुज सम चरणा नख द्युति भगत हृदय तम हरना भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आनंद शरद चंद छवि न्यारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान शंकर जिस समय उस कैलाश पर्वत के वटवृक्ष सिद्ध वटवृक्ष के नीचे जाकर के बैठे, गोस्वामी जी ने लिखा आज कैसे लग रहे हैं। बैठे सो हो कामरी पूजे कैसे, बैठे सो हो कामरी पुके से धरे शरीर शांत रस जैसे। जैसे शांत रस स्वयं शरीर धारण करके आ गया हो, ऐसे महादेव उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए लग रहे हैं। और गोस्वामी जी का आज बड़ा सुंदर शब्द हुआ, पार्वती बल अवसर जानी, पार्वती बल अवसर जानी, कई शंभु पैमा तू भवानी, जान प्रिया शिव दीना। श्री राम जय जय राम श्री राम जय। पार्वती को लगा मौका अच्छा है, पार्वती बल अवसर जानी, पार्वती को सही समय लगा तो पार्वती जी पहुंच गई। आज जो आसन सामने पड़ता था आज वो आसन भगवान ने स्वयं उठा करके वांग भाग में डाल दिया। और पार्व जान प्रिया आदर अति कीना, तो वाम भाग आसन हर दीना। भगवान ने माँ पार्वती को वामांग में स्थान दिया। और गोस्वामी जी ने शब्द किया, यहाँ पर पहले ही बता दिया गया, यहाँ पर पहले ही देखने से लग रहा है कि हाँ कुछ कथा जैसा कोई चीज मिलने वाली है, कुछ कथा जैसा प्राप्त होने वाला है। गोस्वामी जी ने क्या लिखा, पति ही अहे तू अधिक सनमानी, पति ही अहे तू अधिक अनुमानी, बोली विहस उमा प्रियवानी। अपने पति के हृदय की स्थिति को समझा, दाम्पत्य जीवन में कुंडलियों का मिलना इतना आवश्यक नहीं है जितना विचारों का मिलना आवश्यक है। सती और शंकर के जीवन में केवल विचार ही तो नहीं मिलते हैं, इसीलिए यह विवाह सफल नहीं माना गया। सती और शंकर के कभी विचार नहीं मिलते हैं, बस इतनी सी बात है। महादेव कहते हैं कि भाई कीर्तन में चलना है, सत्संग में चलना है, और सती का मन होता है कि थोड़ा महाराज कीर्तन सत्संग तो होता रहेगा वो आप कर लेना, लेकिन वहां पास में सुंदर वन है तो वहां भी जरा विहार करेंगे। कथा सुनकर के निकले तो शंकर जी दंडकारण्य में पहुंचे, हाँ जहां राम जी लीला कर रहे थे। कि गौरा तो को छोड़ दूं लेकिन मांग ना छोड़ी जाए, अरे भोला भांग तुम्हारी मैं गोटत गोटत हारी, मुझसे ना गोटी जाए, तेरी एक दिना की होए तो गोटू रोज ना गोटी जाए, भोला भांग तुम्हारी।
पति ही अहे तू अधिक अनुमानी। विहसी उमा बोली मृदुवानी। जो अपने पति के हृदय की स्थिति को पहचाने वही पत्नी है। और ये शब्द मुझे लगता है रामायण में शायद बहुत कम है। एक बार जब केवट का प्रसंग आता है और भगवान राम केवट के पास से जब वापस जाने लगते हैं तो वहां पर भी इस तरह का एक दृश्य है। राम जी वनवास में जब जा रहे हैं तो केवट को देने के लिए कुछ नहीं है। वहां पर भी गोस्वामी जी ने लिखा कि केवट ने जब उतर करके प्रणाम किया भगवान को, बोले केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे ये नहीं कछु दीना। इसको मैंने कुछ दिया नहीं। और तब गोस्वामी जी ने यहां पर भी लिखा, पति ही पिया ही की गति जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतार। अपने पति के हिय की गति को जिस समय पार्वती ने सीता जी ने समझा तो अपनी उंगली से अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार करके जो मुद्रिका दशरथ के वहां से सीता को पहनाई गई थी उस मुद्रिका को निकाल करके चुपचाप राम जी के हाथ में सीता जी ने दे दिया कि ये इस भक्त को दे दीजिए। और कैसे दिया? बोले पिया ही अकी गति जाननी हारी, तो मणि मुदरी मन मुदित उतारी। प्रसन्नता के साथ उसको दिया। और जब विचारों में सामंजस्य होगा तभी तो जीवन में कथा शुरू होगी, वरना तो व्यथा तो सभी के जीवन में है। कथा उसी को मिलेगी जब हमारे जीवन में हमारे हृदय में परमात्मा होंगे। गोस्वामी जी ने लिखा, बोले पति ही अहे तू अधिक अनुमानी, विहसी उमा बोली मृदुवानी। क्या पूछा? कथा जो सकल लो